हाँ जी, एलिमेंटर प्रो यूज करना है, वो भी फ्री में करवा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश डिले और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलिमेंटर के बारे में जानेंगे। एलिमेंटर प्रो, जो कि एक प्रो वर्जन है एलिमेंटर का, जो कि पेड वर्जन है, उसे कैसे यूज करना है विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, उसके कैसे फीचर्स को यूज करना है विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बड़ा ही कमाल का एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को ज्यादा बेटर बिल्ड करने में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और दिखाता हूं एलिमेंटर प्रो को हम यूज कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि एलिमेंटर प्रो है क्या चीज या एलिमेंटर क्या चीज है। तो एलिमेंटर बेसिकली एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि हमें वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और वेबसाइट बिल्ड तो हम वर्डप्रेस के थ्रू भी कर रहे थे, वर्डप्रेस के एडिटर से भी कर रहे थे, पर एलिमेंटर में ऐसा क्या है? तो एलिमेंटर बेसिकली एक तरीके का प्लगइन है, उसे हम प्लगइन की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर और अपनी वेबसाइट को ज्यादा बेटर कस्टमाइज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर उसके अंदर हम चीजों को एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट, टेक्स्ट, साइज, फोटोज, उसके अंदर एनिमेशन यूज करना, वो सबको हम एलिमेंटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जब हम उस सेम चीज को वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू यूज करें। ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें हैं जो वर्डप्रेस एडिटर हमें देता भी नहीं है, बट एलिमेंटर के थ्रू हम उन्हें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक वेबसाइट जो कि एलिमेंटर के थ्रू बनी हो वो किस तरह दिख सकती है। राइट, सी दिस इज अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है लर्न विद डीवी। इसको अगर हम देख रहे हैं तो आपको मैं इसका होम पेज दिखा रहा हूं, ये वाला पेज। ये होम पेज जो है ये डेवलप किया गया है पूरा एलिमेंटर के थ्रू। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं, उनका फॉन्ट अलग है, ऊपर अलग है, यहाँ पर फोटोज ऐड करे गए हैं, लर्न मोर का एक बटन दिया गया है ना, नीचे अपना ईमेल का सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया गया है हमें, उसके नीचे कुछ और चीजें हैं, यूएसपी ऑफ स्टोरी टेलिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड दैट्स ऑल। अगेन एक नया ब्लॉग है जिसे एक बढ़िया फॉर्मेट में डाला गया है, कंटिन्यू रीड करते हैं तो एक पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं जिसमें इसका पूरा ब्लॉग है, ये भी एलिमेंटर के थ्रू बनाया गया है। राइट, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट की तरह ही मल्टीपल चीजों में हम एलिमेंटर को यूज कर सकते हैं और बेटर तरीके से हम एलिमेंटर को यूज कर सकते हैं, कुछ एनिमेशंस डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम एलिमेंटर प्रो या एलिमेंटर के थ्रू यूज करेंगे। अब प्रो, मैं एलिमेंटर प्रो क्यों कह रहा हूं, एलिमेंटर प्रो बेसिकली एलिमेंटर का एक प्रो वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन है, जो कि ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराता है, ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसी के लिए हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंटर प्रो के फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वर्डप्रेस पर आ जाते हैं जो कि हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कैसे करना होता है। प्लगइन्स में जाना है, एड न्यू प्लगइन करना है, यहां पे हमें सर्च करना है एलिमेंटर जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। राइट, यहां पे सर्च बॉक्स आता है, मैं यहां पर एलिमेंटर सर्च करते हैं। सी दिस इज एलिमेंटर प्रो का प्लगइन, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करेंगे। सी ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूं। जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में मेरे पास एलिमेंटर का एक ऑप्शन ऐड हो गया है जो कि पहले नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एलिमेंटर में कैसे हम चीजों को यूज कर सकते हैं कोई भी पेज क्रिएट करते वक्त। देखिए, पेजेस में हम अगर ऐड न्यू पेज करते हैं तो हमारे पास इस बार, क्योंकि पहले हम वर्डप्रेस एडिटर से कर रहे थे जो कि ये एडिटर है जहां पर हम टाइटल ऐड करते थे, नीचे कॉन्टेंट ऐड करते थे, यहां पर जो ये प्लस का साइन हमें दिखाई दे रहा है एड ब्लॉक का, यहां से हम कुछ कुछ चीजों को ऐड करते थे, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि हमें अपने अकॉर्डिंग चीजों को कस्टमाइज करना हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को प्लेस करना हो, तो वो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वर्डप्रेस एडिटर से, और कहीं कहीं कुछ चीजों को हम कर ही नहीं सकते हैं। वहीं पर एलिमेंटर जो है हमारे लिए वो बहुत अच्छा टूल है जो हमें अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर एडिट विद एलिमेंटर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें ऊपर। यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एक दूसरे पेज पर लेके चला जाता है जो कि है हमारा एलिमेंटर का पेज। राइट, यहां पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं और प्लस नीचे यहां पर चीजें ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। जैसे हमारे वहां पर कंटेंट ऐड करते थे, सिमिलरली हम यहां पर भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। देखिए, एलिमेंटर हमें सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को ऐड करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि पहला सेक्शन मान लेते हैं, मुझे सपोज मैं इसी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक रेफरेंस के लिए यूज करता हूं कि अगर मुझे ये वाला सेक्शन ऐड करना है, दिस इज अ सेक्शन जो मुझे ऐड करना है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे इस सेक्शन को क्या कर रखा है, लेफ्ट साइड में इसमें एक इमेज लगी हुई है, राइट साइड में कुछ टेक्स्ट है और नीचे एक बटन ऐड किया हुआ है। हम
इसी तरह से ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स ऐड करके, सेक्शन बाय सेक्शन ऐड करके पूरे पेज को डिवाइड कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, नीचे आते हैं तो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सिमिलरली हम एलिमेंटर में भी इसी तरह से एडिट करते हैं, ठीक है। प्लस का साइन यहां पे दिख रहा है, प्लस किया, फ्लेक्स बॉक्स हमने ऐड किया। अब देखो यहां पर एक डाउन एरो वाला है, एक राइट एरो वाला है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कुछ कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो वो इस वाले सेक्शन में वन बाय वन नीचे नीचे ऐड होंगे और इसमें राइट बाय राइट राइट साइड में ऐड होंगे, राइट। तो क्योंकि मैं अगर पहला वाला सेक्शन मुझे ऐड करना है, सपोज दिस इज द सेक्शन जो मुझे इस तरह का बनाना है, तो मैंने क्या करना था, सॉरी, यहां पर मुझे ये वाला सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब ये सेक्शन ऐड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, लेफ्ट साइड में फोटो और राइट साइड में टेक्स्ट, और उसके नीचे एक बटन भी ऐड करना है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास यहां पर जब मैं ऐड कर रहा था फ्लेक्स बॉक्स, तो इसके अंदर दो सेक्शन वाला एक ऑप्शन भी था, तो मैं चाहूं तो ये वाला सेक्शन भी ऐड कर सकता हूं, बट क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो यहां पर ऐड करके मैं आपको शो कर देता हूं कि कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। यहां प्लस का साइन है, एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहां पर कुछ बेसिक फीचर्स हैं। तो मुझे एक इमेज ऐड करनी थी लेफ्ट साइड में, तो मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में इमेज ऐड करी, और इसके बाद मुझे राइट साइड में टेक्स्ट ऐड करना था, तो मैंने टेक्स्ट एडिटर को राइट साइड में, ये राइट साइड में ऐड कर दिया। आ गया फोटो लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड में टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इसके नीचे मान लेते हैं मुझे बटन ऐड करना होता या कुछ और ऐड करना होता, उसे भी मैं ऐड कर सकता था। कैसे, प्लस में गए, यहां पर मुझे सर्च करना होगा बटन, सी बटन आ गया मेरे पास। बटन को मैं अपने अकॉर्डिंग जहां पर मुझे ऐड करना है उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट वाला ऑप्शन लिया था, तो उसमें होगा क्या, मुझे लेफ्ट साइड में वो इस पर्टिकुलर जगह पर डाल सकता हूं, मैं इनके नीचे ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि हम इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और फिर क्रिएट करते जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है तो नेक्स्ट सेक्शन ऐड किया, फिर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे टेक्स्ट के नीचे एक बटन ऐड करना होता, तो मैंने क्या करना था, प्लस पे गए, प्लस पे यहां पे जाने के बाद मैंने अपना टेक्स्ट ऐड किया, उसके नीचे मैंने अपना बटन ऐड कर दिया, है ना। बटन में सर्च कर लेता हूं यहां पर, सॉरी, ये ऐड किया मैंने और इसके यहां पर ऐड कर दिया, सी बटन आ गया। इसकी अलाइनमेंट्स और ये सब चीज मैं आपको आगे चल के बताता हूं कैसे हमें चेंज करने हैं, है ना। बट इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि भाई अगर मान लेते हैं मुझे कुछ ऐसा यूज करना हो जो प्रो वर्जन का फीचर हो, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं लेआउट्स हैं, उसका बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं, और नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर प्रो एलिमेंट्स के कुछ फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी लॉक्ड हैं, और इन्हें अनलॉक कैसे करना है विदाउट पेइंग एनी फीस, क्योंकि अपग्रेड मांग रहा है और मैं अपग्रेड करता हूं तो मुझसे कुछ फीस पे करने के लिए बोलेगा, लेकिन मुझे ये फ्री में अगर यूज करने हो इन फीचर्स को तो मैं कैसे ऐड कर यूज कर सकता हूं, वही मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ऑलराइट, तो यहां पर मैं पहले सर्च करूंगा एलिमेंटर, सॉरी, प्रो एलिमेंट्स, सी ये मुझे गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन आता है वो है प्रो एलिमेंट्स पहला ऑप्शन। इस पहले रिजल्ट को मैं सर्च करूंगा तो ये वाला पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। सिंपली मुझे इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ये एक zip फाइल होगी जो डाउनलोड हो जाएगी मेरे पीसी के अंदर। उसके बाद मुझे वापस से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे मैं आ जाता हूं, इस पेज को हम लीव कर देते हैं, ये हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन मुझे जाना है प्लगइन्स में, ठीक है, एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो फाइल हमारी डाउनलोड हुई थी वो एक प्लगइन फाइल है, उसको मुझे अपलोड करके इंस्टॉल करना है। देखिए ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कैसे प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं। आपको अगर वो फर्स्ट सेक्शन देखना है जिसमें हमने पेजेस ऐड करना सीखा, हमने पोस्ट ऐड करना सीखा, हमने प्लगइन इंस्टॉल करने सीखे, हमने सीखा कि होस्टिंगर पे होस्टिंग कैसे खरीदते हैं और डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो सब मैंने पहली क्लास में ऐड करा हुआ है, पार्ट वन ऑफ द हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट सेक्शन। आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा तरीका देखेंगे कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइल होती है प्लगइन्स की, तो उसे कैसे इंस्टॉल करना होता है, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन हमें करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे आएंगे तो यहां पर अपलोड प्लगइन का एक ऑप्शन आपको शो करेगा। अपलोड प्लगइन आपको करना है, यहां पर चूज फाइल का ऑप्शन आता है, जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसे सिंपली हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसे इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, अगेन जैसे हम कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं, सिमिलरली एक्टिवेट प्लगइन्स के का ऑप्शन हमारे पास आता है, हम सिंपली एक्टिवेट प्लगइन करेंगे, राइट। देखिए एक्टिवेट प्लगइन हमने किया, ओके, एक्टिवेट प्लगइन करने के बाद हमारा यहां पर एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो चुका है और प्रो एलिमेंट्स का ऑप्शन भी हमें इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अब हमें चेक करना है कि वो सारे फीचर्स जो लॉक्ड थे क्या उन्हें हम अनलॉक कर चुके हैं। तो कैसे करना है, अगेन पेस्ट पोस्ट या पेजेस में हम जा सकते हैं, उसके बाद एड न्यू पेज करना है, अगेन कहां जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे क्योंकि एलिमेंटर से ही हम एडिट करना है उस पेज को। ऑलराइट,
और यहां पर देखिए ये पूरा पेजेस आ चुके हैं। अब क्योंकि प्रो वर्जन वाले जितने भी फीचर्स थे वो लॉक्ड थे, अब हम जरा जाके देखेंगे कि लेआउट आ गया, बेसिक्स आ गया और नीचे प्रो वर्जन के सारे फीचर्स, वेदर इट्स लूप ब्राउजर, लूप ग्रिड, ऑफ कैनवास, पोस्ट, पोर्टफोलियो, लॉग इन फॉर्म, सर्च फॉर्म, हेडलाइन, एनिमेटेड हेडलाइंस। अब एनिमेटेड हेडलाइंस भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एनिमेटेड हेडलाइंस कितनी बढ़िया आपको एक ऑप्शन देती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ एडिट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम सिंपली क्या करना है, हमें प्लगइन्स में जाना है, यहाँ पर एनिमेटेड हेडलाइंस में हमें जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एनिमेटेड हेडलाइन यूज करी, तो इस तरह का एनिमेशन आप अगर चाहते हैं पेज के अंदर की सर्कल होके आए, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट साइज, ये सर्कल है, कर्ली चाहिए अगर मैं ये चाहता हूँ इस तरह आए, या फिर अंडरलाइन होके आए तो इस तरह आ सकता है ना। और ये देखिए मुझे सर्कल सर्कुलर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब कौन से पे, किस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपको सर्कल करवाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बिफोर जो भी इस टेक्स्ट से पहले जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसके पहले आप क्या लिखना चाहते हैं, हम मान लेते हैं लिख देते हैं हाउ टू यूज। अब मुझे एलिमेंटर को यूज करना है, एलिमेंटर प्रो है ना, तो मैं एलिमेंटर प्रो को इसके अंदर डाल देता हूं सर्कल के अंदर, हाउ टू यूज एलिमेंटर प्रो फॉर फ्री है ना, तो मैंने फॉर फ्री। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब इस तरह से मेरे पास हेडलाइन आ रही है जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज एलिमेंटर प्रो, जिसमें एलिमेंटर प्रो के ऊपर सर्कुलर होके आ रहा है और ये फॉर फ्री है ना, तो कितना बढ़िया लग रहा है टेक्स्ट। तो इस तरह की कुछ एनिमेशंस को हम यूज कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर है ना। अब मान लीजिए आप मल्टीपल फोटोज को क्राउजल फॉर्म में डालना चाहते हैं जिसमें स्क्रॉल होते रहे सारे फोटोज, उन्हें आप यूज कर सकते हैं, गूगल मैप्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडर्स को यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस मेन्यू, अगर पूरा पेज मुझे अपने अकॉर्डिंग बनाना है, मुझे नहीं दिखाना यहाँ पर लोगो और ये पूरा होम पेज मुझे लगाना है, तो वो भी हम खुद से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एलिमेंटर के थ्रू हम अपना होम पेज कैसे डिजाइन करते हैं। मैं एक प्रॉपर आपको होम पेज डिजाइन करके दिखाऊंगा, कौन कौन से फीचर्स को किस तरह यूज करना है वो सब सिखाऊंगा। उसके लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल,